15 साल का 9वीं कक्षा में पढ़ने वाला ओम प्रकाश एक मदद की गुहार लगातार वे कर रहा है। 3 मार्च को जिंदगी की परीक्षा है। समय अपनी रफ्तार के साथ बीत रहा है, लेकिन सांसों को मोहलत देने का इंतजाम अभी नहीं हो पाया है। पिता बेबस है, आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है और इसीलिए अपने लाडले की जिंदगी के लिए मदद की अपील की जा रही है। एक रिपोर्ट देखिए। आखिर किसे दोष दूं? उसे जिसने जिंदगी तो दी लेकिन कंजूसी के साथ, लेकिन 4 बहनों का प्यार दिया, माँ बाप की छांव तो दी लेकिन मेरी वजह से वो छांव भी अब काफूर होने लगी है। मैं जिंदगी जीना चाहता हूँ, पढ़ना चाहता हूँ, मैं भाई होने का, बेटा होने का फर्ज निभाना चाहता हूँ, लेकिन कितने दिन बचे हैं जिंदगी के नहीं जानता। आखिर किसे दोष दो? कुछ यही कह रहा है भीलवाड़ा जिले के आसिंध उपखंड के कटार ग्राम पंचायत में स्थित धनेरी गांव का ओम प्रकाश सिंह रावत, कक्षा 9 में पढ़ने वाला 15 साल का छात्र जो आगे भी पढ़ना चाहता है, अपने साथ के साथियों के साथ बचपन को जीना चाहता है, लेकिन कुदरत ने ऐसा कहर बरपाया, हंसते खेलते परिवार पर आंसुओं का सैलाब आ गया। ओम प्रकाश सिंह रावत पिछले 3 सालों से दिल की गंभीर बीमारी से पीड़ित है। चिकित्सकों के अनुसार इस बालक के दिल के दोनों वाल्व खराब हो चुके हैं, जिसके चलते इसका जल्द से जल्द ऑपरेशन करना पड़ेगा, लेकिन ऑपरेशन में लगने वाले पैसे आएंगे कहां से? इस पर बात करते हैं, पिता की आंखें भर जाती है। बच्चा का ऑपरेशन कराना है, 8 लाख में खर्चो कर सको, 2 ही बाल खराब है, 2-3 लाख को खर्चो है, कतरों में खर्चो उठाने से गरीब, और BPL मरवाल उन्हीं अपन कार्ड आई बोल रहे। आपको निवेदन है कि जो भी कोई दिन दान देता हो, कोई मदद करना चाहता तो कर सकता है। पिता की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है और अपने लाडले को इस हालत में देख भी नहीं सकते। ऑपरेशन का खर्चा लगभग 3-4 लाख रुपए बताया गया है, जो इस परिवार के लिए वहन करना मुश्किल है। इसीलिए अपने बेटे के लिए दान दाताओं से मदद की गुहार लगाई जा रही है। वो बहने भी लोगों से अपील कर रही हैं कि जिस भाई को मन्नतों से मांगा है, आज उसी भाई की नई जिंदगी के लिए मदद के लिए आगे आइए, जिसका जरिया फर्स्ट इंडिया बना है। 4 बहनों के बीच में एक ही भाई है और उसके दोनों वाल खराब हो चुके हैं। मेरे पापा ने 1 लाख रुपए खर्च कर लिए, डॉक्टरों ने 3-4 लाख बताए और अभी तक BPL कार्ड नहीं बना। ऑनलाइन पे तो भेज दिया लेकिन बन के नहीं आया, और हम सभी दानदाताओं से निवेदन करते हैं कि मेरे भाई की कोई ना कोई इलाज करें। मेरे घर की ऐसी स्थिति नहीं है कि हम इलाज करा सके इसका। बच्चे के परिजन काफी गरीब होने से अब तक लगभग 1 लाख के करीब पैसा लगा चुके हैं, लेकिन अब वे इलाज का खर्चा उठाने में नाकाम नजर आ रहे हैं। वहीं अभी तक इस बच्चे के परिजनों को BPL योजना का भी लाभ नहीं मिल पाया, जो प्रशासन की उदासीनता भी दिखा रही है और खोखले वादे और दावे भी। वहीं 3 सालों से गंभीर बीमारी से ग्रसित होने के बाद भी ओम प्रकाश अपनी पढ़ाई के लिए कटार में स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में रोजाना पढ़ाई के लिए जाता है। पढ़ाई के लिए इसकी ललक को देखकर स्कूल की प्रधानाध्यापक भी मदद की गुहार के लिए आगे आई हैं। अरे यहाँ पर पढ़ने वाला बच्चा ओम प्रकाश सिंह रावत 9th क्लास में पढ़ रहा है, ये धनेरी से जो कि यहाँ से करीबन 3 किलोमीटर की दूरी पर है, से पढ़ने के लिए आता है। यह है 4 बहन पर 1 भाई है और इसके दोनों हार्ट के दोनों वाल्व खराब हो चुके हैं, जो ऑपरेशन के द्वारा ही ठीक हो सकते हैं। ऑपरेशन ही एकमात्र साधन है। इसके पिताजी की आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर है, जो इसका खर्चा वहन नहीं कर सकते। ओम प्रकाश से जब फर्स्ट इंडिया ने बात की तो वो चैनल की मदद से खुद भी दानदाताओं से अपनी जिंदगी की गुहार लगा रहा है। मैं सास के दोनों वाल खराब हो चुके हैं और 3 मार्च को जयपुर में ऑपरेशन होने जा रहा है, और इसके लिए 3-4 लाख रुपए डॉक्टर ने मांगे हैं, इसलिए इस खर्चे को मेरा परिवार वहन नहीं कर सकते हैं।
मैं फर्स्ट इंडिया टीवी के माध्यम से अपील करता हूं कि मेरा 3 तारीख को ऑपरेशन करवावे और मुझे एक नई जिंदगी प्रदान कर। परिवार में 4 बहनों के बीच एक इकलौता भाई जिसका कहना है अगर कोई सामाजिक संस्था या कोई दानदाता मेरे ऑपरेशन का खर्चा वहन करे तो मैं मेरे परिवार में बच सकूंगा। पीड़ित बच्चे का उपचार जयपुर के सवाई मानसिंह चिकित्सालय में कार्यरत चिकित्सक डॉक्टर अनिल शर्मा कर रहे हैं। फर्स्ट इंडिया डॉक्टर अनिल शर्मा और पीड़ित पिता के नंबर आप सबसे साझा कर रहा है। अगर कोई सामाजिक संस्था और दानदाता या फिर कोई भी इच्छुक व्यक्ति पीड़ित बच्चे की सहायता करना चाहे तो इस नंबर पर कॉल कर सकता है। फर्स्ट इंडिया भी यही उम्मीद कर रहा है कि 3 मार्च को होने वाले ऑपरेशन में ओम प्रकाश पूरे तरीके से स्वस्थ हो जाए। फर्स्ट इंडिया के लिए भीलवाड़ा के आसिन से मंजूर अली शेख की रिपोर्ट। ओम प्रकाश सिंह रावत 15 साल का मासूम बच्चा है, 9वीं कक्षा में पढ़ता है, खेलने कूदने के दिन है, कहता है कि जीना चाहता हूं, लेकिन देखिए ना किस तरीके से कुदरत की मार पड़ी है। गंभीर बीमारी से वे ग्रसित है, दिल के दोनों वाल्व खराब हो गए और घर की हालत जो है वो बहुत ज्यादा खराब है। आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, माली हालत इसके घर की देखने को मिलती है। पिता 1 लाख रुपए अब तक खर्च कर चुका है, लेकिन अब इतनी स्थिति सही नहीं है कि वो 3 से 4 लाख रुपए देकर 3 मार्च को होने वाले ऑपरेशन में पैसा लगा सके, और इसीलिए लगातार आर्थिक मदद की गुहार यहां पर वो दानदाताओं से कर रहे हैं। पूरा परिवार यहां पर मदद की गुहार लगा रहा है। फर्स्ट इंडिया भी आप लोगों से यही अपील कर रहा है कि जो दानदाता या कोई सामाजिक संस्था इस बच्चे की मदद कर सकती है तो इसे जरूर करें। पिता की आर्थिक हालत जो है वो बेहद खराब है। इस बच्चे की ललक देखिए, लगातार इसकी तबीयत बिगड़ती जा रही है। 3 मार्च को इसका ऑपरेशन होना है, लेकिन पढ़ाई की ललक जो है वो इसको स्कूल खींच लिए चलती है। स्कूल जाता है, पढ़ाई करता है, और प्रधानाध्यापक जो है वो भी लगातार इसकी पढ़ाई की ललक को देखकर लगातार गुहार कर रही है कि इसकी आर्थिक मदद के लिए आगे आए, क्योंकि 3 मार्च को राजधानी के SMS अस्पताल में इसका ऑपरेशन होना है, लेकिन 3 से 4 लाख रुपए लगेंगे और आर्थिक स्थिति सही ना होने की वजह से अब सांसों के मोहलत मांग रहा है, सांसों के मोहताज हो गया है, अपनी जिंदगी की गुहार यहां पर लगा रहा है। शायद इसने कभी सपने में सोचा ना होगा कि इस उम्र में आकर इसे अपनी जिंदगी की गुहार लगानी होगी। अपने साथियों के साथ ये खेलना कूदना चाहता है, अपने सपनों को उड़ान लगाना चाहता है, एक जिंदगी जो है वो खुशहाल जीना चाहता है। 4 बहनों का इकलौता भाई, बड़ी मन्नतों के साथ बहनों ने मांगा था, लेकिन अब वो भी जिंदगी की गुहार लगा रही है। BPL कार्ड बनवाने की लगातार कोशिश की गई, ऑनलाइन पंजीयन करवाने की कोशिश की गई, लेकिन अभी तक कोई पंजीयन यहां पर नहीं हो पाया, BPL कार्ड इनका नहीं बन पाया। प्रशासन जो है वो भी मुंह मोड़ कर बैठा है, उसकी सुध नहीं ले रहा। लगातार प्रशासन से भी गुहार लगाई गई, लेकिन अभी परिवार यही कह रहा है कि आखिर हम जाएं तो जाएं कहां। 4 बहनों का सहारा है, लेकिन फिर भी बेसहारा है। 15 साल का मासूम 9वीं कक्षा में पढ़ता है, ओम प्रकाश सिंह रावत नाम है इसका, भीलवाड़ा के आसीन का रहने वाला है। लगातार यही कह रहा है कि अपनी बहनों का फर्ज जो है भाई होने का वो मैं निभाना चाहता हूँ, अपने बेटे होने का फर्ज निभाना चाहता हूँ, लेकिन जिंदगी ने आखिर मेरे साथ इस तरीके से धोखा कर दिया है। 15 साल का मासूम है, 3 मार्च को इसका ऑपरेशन राजधानी के SMS अस्पताल में होना है, लेकिन पैसे की कमी यहाँ पर इसकी जिंदगी के आगे रोड़ा बन गई है। 4 बहनों का इकलौता भाई, लगातार यही गुहार दानदाताओं से की जा रही है। फर्स्ट इंडिया भी यही अपील कर रहा है कि जो सामाजिक संस्था या फिर कोई भी दानदाता या फिर कोई भी आम व्यक्ति अगर आर्थिक मदद देना चाहता है तो इस बच्चे की मदद कर सकता है। भीलवाड़ा के आसिन का रहने वाला बच्चा है, 3 से 4 लाख रुपए इसकी जिंदगी के लिए चाहिए, इसकी सांसों की मोहलत के लिए चाहिए, जो कि ये लगातार मांग रहा है। ये तस्वीरों में उस बच्चे की तस्वीर आप देख रहे हैं, तबीयत दिनों दिन इसकी बिगड़ती जा रही है। वहीं हंगामी लाल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, अभी पूर्व विधायक हैं आसिन विधानसभा से, उनसे बातचीत करते हैं। हंगामी लाल जी स्वागत है आपका फर्स्ट इंडिया में। धन्यवाद सर।
हंगामी लाल जी, यहाँ पर भीलवाड़ा के आसन में एक बच्चा है, ओम प्रकाश सिंह रावत, गणपत सिंह रावत का बेटा। उसके दिल में दोनों वाल्व इसके खराब है, गंभीर बीमारी से ग्रसित है, लेकिन अभी भी प्रशासन जो है कोई सुध ले नहीं रही। लगातार दानदाताओं से गुहार लगानी पड़ रही है, लेकिन अभी तक कोई आगे नहीं आ पाया। इसकी किस तरीके से मदद की जानी चाहिए, क्योंकि बीपीएल कार्ड भी इसका नहीं बन पाया है अभी तक। ऐसा मैडम, ये मेरी विधानसभा क्षेत्र से ही है, ओम प्रकाश रावत है, गरीब परिवार है, बिल्कुल गरीब परिवार है, इसके दोनों वाल्व खराब है। हमने भी प्रशासन से जो है खूब मांग की है कि भाई ये बीपीएल हो जावे तो इस गरीब का इलाज हो जावे जी, लेकिन प्रशासन ने इस पे कोई ध्यान नहीं दिया। काफी कहने के बाद भी जो है इसका बीपीएल कार्ड नहीं बना, और हमने सोचा है कि भाई जो है इसका इलाज मिले, लाख लोगों से 2 लाख लोगों हम आपस में जो है कलेक्शन करके इसका इलाज कराएंगे। बिल्कुल, हम भी यही लगातार दानदाताओं से, सामाजिक संस्थाएं या फिर कोई भी आम लोग हैं उनसे अपील यही कर रहे हैं, क्योंकि 3 मार्च को इसका ऑपरेशन होना है। जिस तरीके से प्रशासन की तरफ से बीपीएल कार्ड नहीं बन पा रहा, क्या लापरवाही मानी जाए? बिल्कुल लापरवाही ऐसा, इसे जो ये कथनी और करनी में बहुत फर्क है। सरकार जो है कहती क्या करती क्या, एक बीपीएल आदमी है, उसके दोनों वाल खराब है, गरीब परिवार से है जी, इसका इलाज होना चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट या जो भी प्रशासनिक अधिकारी है इस पे कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। बिल्कुल, अब सवाल यही है कि 3 मार्च को जो ऑपरेशन होना है, हम भी उम्मीद कर रहे हैं कि सही और स्वस्थ होकर ये ऑपरेशन थिएटर से बाहर निकले और इसका ऑपरेशन हो जाए। 3 से 4 लाख रुपए खर्च आना है, क्या किस तरीके से वहाँ के लोग इकट्ठे होकर इतनी रकम जुटाने की कोशिश यहाँ पर कर रहे हैं? करेंगे मैडम, इसके लिए हम जो है लाख लगो, 2 लाख लगो, 3 लाख लगो, पूरा जो है हम जो भी जितना हमसे बन पड़ेगा हम इसका इलाज कराएंगे। चलिए, शुक्रिया हंगामी लाल जी हमसे बातचीत करने के लिए और एक नेक दिल्ली का उदाहरण यहाँ पर देने के लिए। तो तस्वीरें हमने आपको दिखाई लगातार किस तरीके से बीपीएल कार्ड इसका नहीं बन पा रहा। वही हमारे साथ अतिरिक्त विकास अधिकारी जो हैं वो भी जुड़ गए हैं, गोपाल लाल जी, उनसे बातचीत कर लेते हैं, पंचायत समिति के सदस्य हैं यहाँ पर। गोपाल लाल जी, स्वागत है आपका फर्स्ट इंडिया में। अभी हमारी हंगामी लाल पूर्व विधायक जो हैं वो आसिन के, वो हमारे साथ जुड़े हुए थे। दरअसल बात हम ओम प्रकाश सिंह रावत की कर रहे हैं, जो कि आसिन का रहने वाला है, 3 साल से दिल की बीमारी से ग्रसित है, लेकिन पैसे नहीं जुटा पा रहे क्योंकि आर्थिक स्थिति उसकी खराब है। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप इस पूरे मामले को लेकर? इसका 2015 में हमने बीपीएल चयनित करवा दिया था और उसका बीपीएल कार्ड भी बनवा दिया है, और आज आए थे उसका अपने जो उसमें रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं थे वो रजिस्ट्रेशन नंबर हमने लगवा दिए हैं और उसको पूरी हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन बीपीएल कार्ड तो इस तक पहुंचा ही नहीं है, उसका लाभ तो इसे मिल ही नहीं पा रहा। बीपीएल कार्ड पहुंच चुका है उसके पास, और वो समझ नहीं पा रहे हैं कि उसको बीपीएल को कैसे यूज, कार्ड को कैसे यूज करना है। उसका हमने आज पूरा बता दिया हमने, और उसका पूरा वो अब वो कर लेगा उसका काम। क्या क्या लगता है कि उस बीपीएल कार्ड से उसकी मदद जो है वो संभव हो पाएगी, क्योंकि 3 से 4 लाख रुपए उसके ऑपरेशन के लिए चाहिए, किस तरीके से मदद आप ये कर पाएंगे? ये राज्य सरकार के निर्देश है कि बीपीएल जो भी है उनको फ्री ऑफ चार्ज इलाज मिलता है, और उसको भामा से स्वास्थ्य कार्ड के लिए भी हमने बताया है कि भामा साहब स्वास्थ्य कार्ड बना ले और उससे पूरी जो भी वहाँ इलाज कराना वो फ्री ऑफ निःशुल्क हो जाएगा। लेकिन जो सवाल यहाँ पर यही उठ रहा है कि इलाज में यहाँ पर फिर भी परेशानी सामने आ रही है, दिक्कतें आ रही है, आखिर इलाज फिर भी संभव क्यों नहीं हो पा रहा? नहीं, अब हो जाएगा उसका, वो समझ नहीं पा रहे थे कि कैसे इलाज कराना है। आपकी बात आज उनसे हुई है? पता लगा लिया। नहीं, उसका पहले हम 2015 में भी आया था हमारे पास, तो हमने उसको पूरा बताया और बीपीएल कार्ड बना दिया था। वो कन्विंस वो हो नहीं पाया कि कैसे इसका यूज लेना है। वो आज आया हमारे पास तो हमने उसको सारा बता दिया कि इसको इस तरीके से यूज करना है और ऐसे ऐसे हॉस्पिटल में जाना है, और भामाशाह स्वास्थ्य कार्ड के बारे में उसको जानकारी दी है, वो भी उसने तैयार करवा रहे हैं, और वैसे बीपीएल कार्ड से भी उसको निःशुल्क सेवा मिल जाएगी।